हेलो फ्रेंड्स, असी कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 5 चल रहा है साडा ईपी सीरीज अंगणित कलड़ियां, जिस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 16 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਬੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਏਬੀ पता करो जिसका तीजा ते जिसका तीजा पद मतलब के थर्ड टर्म साढ़े को दिती गई है 16 अते सातवां पद पांचवें पद नालों 12 बद्ध है। सातवां पद पंजवें पद नालों 12 वध है, 12 वध है। सो क्वेश्चन दे विच की है साडे को कि साडे को A3 जिहड़ा कि गिवन दिता गया है 16 ते नाल की किया गया है सातवां पद। सो A7 जिहड़ी है साडे को A7 टर्म सैवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म के नालों ए सैवंथ टर्म है जो साढ़े को वो फिफ्थ टर्म के नालों कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। सो देखो सातवीं टर्म जिहड़ी है साढ़े को सैवंथ टर्म यह 12 ज़्यादा है फिफ्थ टर्म के नालों। सो असी इहदा मतलब कि जिहड़ी फिफ्थ टर्म है वह 12 घट होगी, इसलिए असी फिफ्थ टर्म के 12 जिहड़ा है उसनों ऐड कर दिता तो साढ़े को जिहड़ी कि सैवंथ टर्म के बराबर हो जाती है। देखो इस क्वेश्चन नूं असीं दो ढंग नाल कर सकते हाँ। देखो ए 7 है, दूसरी साइड ते ए 5 है। हुण ए जिहड़ी 7 है इस दे नालों कितनी ज़्यादा है 12, जेकर असीं इहदे चों 12 माइनस कर देंगे साडे कोल टर्म बन जूगी फिफ्थ के बराबर। जे असीं फिफ्थ के 12 जोड़ देंगे तो साडे कोल टर्म आ जूगी ए 7 के बराबर। सो इस तरह साडे कोल इस तरह भी लगा सकते असीं, जां तां 12 नूं 5 फिफ्थ टर्म विच ऐड कर दो जां फिर 12 नूं 7 टर्म के विचों असीं माइनस करके चल सकते हैं। सो असी इस केस दे नाल सॉल्व करांगे। सो A3 बनेगा साढ़े को A3 इज इक्वल टू A+2D हुंदा है साढ़े को, ये आ गया A+2D इज इक्वल टू साढ़े को 16, A7 A+6D, A5 लिखांगे A+4D+12। सो ये आएगा A+6D माइनस A-4D इज इक्वल टू 12। सो ये देखो ये जिहड़ी A+4D सी दोवें साडे को व्यंजक सीगे, दोवें असी अपने लैफ्ट साइड लै आते हैं तो साइन साडे को जिहदे के चेंज हो जाते हैं। सो A+- साडे को कट्टिया गया, 6D चो 4D माइनस करो साडे को आ गया 2D इज इक्वल टू 12, 2 6 12 इसका मतलब कि D साडे को कितना आ गया 6। सो कॉमन डिफरेंस या सांझा अंतर जिहड़ा साडे को आता है वह आ जाता है 6। सो इसनों एक नंबर मानते हाँ, D बराबर 6 नूं एक विच भरो। सो D इज इक्वल टू 6 पुट इन फस्ट, इसको फस्ट क्वेश्चन पुट करते हैं साढ़े को आता है A+2D कितना 6 इज इक्वल टू 16, ये आता साढ़े को A+2 6 12 इज इक्वल टू 16, ये आ जाएगा साढ़े को 16-12। सो ये आ गया साढ़े को 16-12 4। सो साढ़े को ए भी आ जाता है तो डी भी जोड़ा कि वह आ जाता है। सो हुण असी बनानी है AP। सो AP की बनेगी जिसकी फस्ट टर्म साढ़े को होंगी है A1 इज इक्वल टू होंगी है ए जो साढ़े को आ जाती है 4। देखो साढ़े को कितना आया 4 आया है ना। सो A2 टर्म जिहड़ी है साढ़े को ये होगी साढ़े को A+D। सो इस दे विच असीं की जोड़ना है D जोड़ना है। सो 4 दे विच D जोड़ते हाँ असीं साढ़े को आ जाता है 10। सो A3 टर्म जिहड़ी होगी ये साढ़े को बन जाएगी A2 टर्म प्लस D। सो सैकेंड टर्म दे विच D जोड़ देना असीं। सो AP सीरीज की डेफिनेशन भी यही होंदी है कि अगली टर्म पता करने के लिए उसकी पिछली टर्म के असी जो डी है सांझा अंतर है जो उसको जोड़ते हाँ तो साढ़े को टर्म वो पता प्राप्त हो जाती है। सो A2 कितना है 10 च 6 जोड़ो साढ़े को आ गया 16। सो A4 पता करनी साढ़े को आएगा A3+D साढ़े को आ गया 16+6 साढ़े को आ गया 22। सो साढ़े को इस तरह जी एक AP है वो तैयार हो जाती है। सो की आता साढ़े को 4, 10, 16, 22 सो ऑन।
सो अगे तो अगर साढ़े को इस तरह ही जी नैक्सट टर्म जी को डी एड करके साथ को जी प्राप्त हो जाएगियाँ। सो ये साडा क्वेश्चन नंबर 16 जिस साढ़े को थर्ड टर्म दी सी पहला थर्ड न ए थ्री लिखा 16। सो गिवन जो गिवन है सिर्फ उसके उपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। ए सैवन है साढ़े को दिता है पंचवें पद तो सो फिफ्थ टर्म तो नालों 12 वध सो असी फिफ्थ तो 12 एड किया जो असी डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह के ना। सो असी इस तरह डी प्राप्त किया डी नूं असी पुट किया इसने इक्वेशन फस्ट रख के ए प्राप्त किया। सो सानूं पता कि कोई भी ए पी बनाने लिए सानूं ए ते डी दी दोवां दी जरूरत पैंदी है। सो असी अपनी जिहड़ी ए पी आ उह बना लैंदे हां। सो फिर साडे को क्वेश्चन आंदा है क्वेश्चन नंबर 17। सो देखदे हां कि क्वेश्चन नंबर 17 दे विच साडे कोल की कहा गया है। ए पी 3.8.13 .253 सो लास्ट टर्म साढ़े को दिती गई है 253 विच अंतिम पद तो बीमा पद पता करो विच अंतिम पद तो बीमा पद पद पता करो। सो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। सो फाइंड 20th टर्म पता करनी असी कितों लास्ट टर्म तो लिखते असी फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। सो जिहड़ी भी साडे को लास्ट टर्म है उस तो बाद असी जिहड़ी 20th टर्म जिहड़ी वो प्राप्त करनी है। सो ये क्वेश्चन भी जिहड़ा साडा क्वेश्चन नंबर सीगा 11th क्वेश्चन से 11th क्वेश्चन के नाल मिलता जुलता क्वेश्चन है साडा। सो सोल्यूशन वेखते हैं असं। सो साडे कोल ए पी जो है 3.8.13 सो 253 सो ए वन है साडे कोल 3 ए टू है साडे कोल 8 सो साडे कोल जिहड़ा डी आता है वह आता है ए टू माइनस ए वन सो डी इज इक्वल टू आ गया 8-3 सो डी इज इक्वल टू 5 सो कॉमन डिफरेंस साडे कोल 5 आ जाता है। सो ए एन है साडे कोल 253 सो ए एन इज इक्वल टू आएगा साढ़े को देखो असी नंबर ऑफ टर्म्स की लोड़ नहीं सानू। हाँ जी हुण देखो जिहड़ी साढ़े को लास्ट टर्म है ए एन वो है साढ़े को 253 इस तो बाद असी 20th टर्म जिहड़ी कि वह प्राप्त करनी है। सो सब तो पहला असी ये देख लें कि साढ़े को ए एन ए 253 टर्म है किस नंबर पर आती है कि किन्ने एन पर आती है। सो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो ए एन कि आ गया 253 साढ़े को ए किन्ना है साढ़े को 3 प्लस एन माइनस वन डी किन्ना है साढ़े को 5 जो असी प्राप्त किया है। सो ये देखो साढ़े को आता 253 माइनस 3 करते असी ये वाला इस साइड पर साढ़े को आ गया एन माइनस वन सो 5। सो की आता साढ़े को 250 देखो 3 माइनस किया 253 चो साढ़े को आ गया 250 बराबर आता है साढ़े को एन माइनस वन नाल आता है 5 सो 25 नाल 0 सो आ गया साढ़े को 50 बराबर एन माइनस 1 सो आ गया 50 प्लस 1 बराबर आ गया साढ़े को एन सो एन आ गया साढ़े को 51। सो यह मतलब साढ़े को 253 तक किनिया टर्म्स हैं साढ़े को 51 टर्म्स हैं। सो हुण असी 51 तो बाद 20th टर्म असी प्राप्त करनी है ठीक है। साढ़े को हुण असी लिखते हैं कुल पद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स साढ़े को किनिया हो जाए 50+20 इज इक्वल टू 71 सो देअर फोर नाउ एन इज इक्वल टू 71 सो हुण साढ़े कोल एन है वह किन्ना हो जाता है 71। सो असी फॉर्मूला लगाते हैं अपना कि 71 टर्म जी किन्नी होगी। सो असी प्राप्त करना है ए 71 इज इक्वल टू आएगा साढ़े को ए प्लस 70 डी। सो सानू पता है कि जिन्ना भी एन दे बेस ए दे बेस हों साडा उस तो एक घट डी जी असी एड कर दें। सो साढ़े को ए किन्ना है 3 प्लस 70 सो डी किन्ना है साढ़े को 5 5 ना मल्टीप्लाई करते हैं साढ़े को ए आ गया 3 प्लस 500 57 35 सो साढ़े को आ गया 353 सो की आ जाता साढ़े को ए 71 टर्म जी आती है साढ़े को 253 तो बाद बीमा पद इसलिए 253 तो बाद बीमा पद मतलब कि 20th टर्म जी है साढ़े को 353 है। सो इस तरह यह साडा क्वेश्चन नंबर 17 पर इस दे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने कोल जिहड़ा कि लिखा है 253 अंतिम पद तो बीमा पद पता करो।
हुण अंतिम पद पता करना है, सानू ये नहीं क्लीयर होंदा कि 253 तो बाद वाला जां 253 तो पहला वाला। इसलिए ये जो असी कीता है, ये तां कीता है 253 तो बाद वाला बीवीं टर्म जिहड़ी आंदी है, 20 टर्म आंदी, उह किन्नी आंदी है। पर हुण असी एक बार क्वेश्चन इस तरह भी वेख लैंदे हां कि जेकर असी इस तो पहला चैक करिए, हुण सानू क्या गया है कि 253 विच अंतिम पद तो बीवां पद जिहड़ा कि पता करो। सो अंतिम पद जिहड़ी लास्ट टर्म साडे कोल आंदी है 51, सो इस तो असी पता करना है बीवीं टर्म। सो ध्यान रखो कि इत्थे लिखो 253 तो पहला बीवां पद पता करो। सो इस तो पहली 20th टर्म जिहड़ी असी पता करनी है, इहदा मतलब साडे कोल ये बनता है। हुण साडे कोल है 51n, सो असी प्राप्त करना है n, इस तो b घट, मतलब कि असी कहते 51 माइनस कर देंगे असी b, सो साडे कोल आंदा 31। सो ये जिहड़ी मिसटेक है असी मोस्टली जिहड़ी कि अपने इस क्वेश्चन दे विच करांगे, पर इत्थे ये ध्यान रखना है कि असी क्वेश्चन नू इस तरह नहीं करना है। सो कह की रहा क्वेश्चन दे विच देखो, असी टर्म्स लिखते हैं 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 42, 43, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30। हुण देखो साडे को इस तरह का माइनस करके भी साडे को आँदी है 31st टर्म, 31वीं टर्म आँदी है साडे को। पर इस तरह देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो यदा मतलब कि इस तो पहली जी बीवीं टर्म आँदी है वो कितनी आँदी है साडे को, 32 आँदी है। सो इसलिए असी इत्थे की करना है, इस तो पहला की गल करनी है, तो सिंपल तुसी जां तां ये चीज़ करो 50 माइनस 1 20, सो लास्ट विच प्लस 1 लगाओ, इत्थे 1 लगता है साडे को आता है 32। सो ये जिहड़ा कि मिसटेक बिल्कुल नहीं करनी, इस टर्म नूं असी विच इनकलूड करके ही 20th टर्म जिहड़ी असी गिणनी है। सो साडे को आता है देयरफोर ए 32 आएगी साडे को, ए प्लस 31d। सो ये किन्ना है साडे को 3, 31d किन्ना है साडे को 5, ये हैगा 3 प्लस 5 कम 5, 5 3 15, 155। सो ऐड कर दे साडे को गया 158। सो इसलिए साडे को जिहड़ी 253 तो पहला जिहड़ा बीवां पद आंदा है साडे को किन्ना आंदा है 158। सो क्वेश्चन नूं ध्यान च रखना है, साडे को अंतिम पद तो बीवां पद क्या है, ये नहीं कहा गया है कि बाद वाला जां पहला वाला। सो असी पहला क्वेश्चन नूं बाद वाले नाल क्लीयर किया, फिर असी पहला वाले दे नाल क्लीयर किया। सो इसी साडे को क्वेश्चन नंबर 17। सो मिलते हैं नैक्सट क्लास के नैक्सट क्वेश्चन के नाल, क्वेश्चन नंबर 18 के नाल। थैंक यू।